सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी जो कहा कि प्रियंका गांधी की लगातार डिमांड बढ़ रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में भी प्रियंका कई बार आ चुकी हैं। अभी हाल के दिनों में अक्टूबर महीने में वो खैरागढ़ में थी, उसके बाद अभी दो तीन दिन पहले बालोद में उनकी एक सभा हुई, फिर इसके पहले वो कांकेर में थी तो महिला समृद्धि सम्मेलन था जिसमें कई तरह की घोषणाएं उन्होंने कई कई तरह से आश्वस्त किया। तो लगातार वो आ रही हैं और उनके आने से एक माहौल जम रहा है, माहौल बन रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि जितना मैं छत्तीसगढ़ को जानता समझता हूँ, अपने छत्तीसगढ़ को, तो यहाँ पर होता यह है कि जो महिलाएं हैं वो मजदूर हैं, किसान हैं और खेतियर मजदूर हैं, और जो अर्थव्यवस्था टिकी है छत्तीसगढ़ की उसमें यहाँ महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो वे लोग बड़ी सहजता से जो लोग बोलने वाले हैं उनको बहुत सम्मान देते हैं और वो आत्मसात करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हाल के दिनों में जब वो अक्टूबर में आई थी तो उन्होंने खैरागढ़ में कहा था कि मुझे बुखार है और उसके बावजूद मैं यहाँ पर आई हूँ, तो महिलाओं में बड़ी संवेदना देखी गई कि देखिए बुखार के बावजूद उनका आना हुआ। और उनका हमला जो है वो एक जो सभ्य राजनीतिज्ञ का हमला हो सकता है, सभ्य तरीके से बातचीत करने का, उस तरीके से वे हमला करती हैं। पढ़े लिखे लोगों का जो हमला हो सकता है उस तरीके से वे बातचीत करती है। जैसे उन्होंने एक सभा में ये कहा कि भाई मोदी जो है वो विमान खूब खरीद रहे हैं और संसद भवन के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन गांव के किसानों को, गरीबों को और आप लोगों को देने के लिए उनकी जेब नहीं खुलती या उन पैसा नहीं है। तो उसका बड़ा असर देखने को मिला, लोगों में इस बात की बड़ी चर्चा भी हुई कि देखिए बात तो सही है तर्क के आधार पर कि भाई आप इतने 20,000 करोड़ का विमान खरीद रहे हैं, 20,000 करोड़ की संसद भवन बना रहे हैं, 15,000 करोड़ का विमान आपका चल रहा है, लेकिन गरीबों को जब किसानों को आप पैसा देते हैं तो आपको रोना आता है। तो ये बात जो सीधी सी है कि अभी लगातार उनकी और सभाएं छत्तीसगढ़ में होनी है, अभी 17 नवंबर तक के 17 नवंबर को यहाँ चुनाव है, 15 की शाम को दिवाली के बाद जो है चुनाव प्रचार थमेगा। मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ अमरीश जी कि जो लंपटों की एक भाषा होती है, जो लंपटों की अपनी भाषा शैली होती है, वो भाषा शैली इधर नहीं है। यहाँ बड़ी सरलता से, सहजता से, आत्मीयता से बात करने का जो अंदाज है ये राहुल गांधी के भीतर भी है और प्रियंका गांधी के भीतर भी हमको दिखाई देता है, और बड़ा एक सौम्य अंदाज होता है जिसको देख करके खुशी होती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर थोड़े समय तक तो आप आक्रमण करने वालों को या आक्रामक ढंग से बोलने वालों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब लोग सुनने आते हैं तो फिर वो पवन दीवान टाइप के जो लोग हैं जो अपने रामायण करते थे या बड़ी मीठी बोली में जो यहाँ मीठी बोली बोलने वाला ही चल सकता है। यहाँ बहुत तीख करके कोई भाइयों और बहनों और मतलब लगातार लंबा लंबा खींच करके बातचीत करेगा, यहाँ बहुत ड्रामेबाजी के लिए बहुत जगह नहीं है क्योंकि थिएटर करने वालों की संख्या वैसी बहुत ज्यादा है थिएटर में। यहाँ लोक कलाकार बहुत हैं, अपने आप में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। यहाँ पे हबीब तनवीर हुए, यहाँ पे भिलाई दुर्ग की पूरी एक जो पीढ़ी है वो थिएटर करती है, और रंगकर्मियों की यहाँ कमी नहीं। अब रंगकर्मियों के बीच में आ करके कोई अपने आप को बताएगा कि मैं रतन थियाम हूँ तो यहाँ चल नहीं पाएगा वो रतन थियाम जो है, वो राजनीति का जो रतन थियाम है, माफ करिएगा रतन थियाम जी मणिपुर के बहुत बड़े निर्देशक है, क्योंकि मैं थिएटर का आदमी रहा हूं तो मैं उनको जानता समझता हूं, रतन थियाम जी बहुत सभ्य और सरल भी हैं। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर कलाकार बनने की कोशिश करता हुआ कोई दिखाई देगा राजनीति में कलाकार बनने का और ड्रामेबाजी करेगा तो छत्तीसगढ़ की जनता उसे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि यहाँ का नाचा जो है उसमें तो अद्भुत ड्रामा होता है, आप उससे बड़ा ड्रामा क्या कर लोगे। जो रात रात भर यहाँ जाग करके लोग देखते हैं, यहाँ का नाचा देखते हैं, यहाँ के अच्छा जोकर बन के कोशिश करोगे तो छत्तीसगढ़ में बने हुए जो जोकर होते हैं उनका मुकाबला भी नहीं कर पाओगे। तो ना तो यहाँ जोकर चल पाएगा, ना तो ड्रामेबाज चल पाएगा, यहाँ तो वही चलेगा जो बहुत मीठी बोली में अपनी बातचीत को कर पाएगा। तो प्रियंका गांधी जिस आत्मीयता से मिलती है, जो उनकी तस्वीरें भी वायरल होती है, वो सबको देख करके यहाँ पर उनकी डिमांड बढ़ी हुई है। और अभी तक मैंने उनके छत्तीसगढ़ में जितने 2-4 भाषण सुने वो बहुत अद्भुत हैं, कमाल के हैं, और लगता है कि भाई पढ़े लिखे को बीच बीच में सुनते रहना चाहिए, अन्यथा ऐसा लगेगा कि कान में कोई शीशा डाल देगा। जी अमरीश जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा था प्रियंका गांधी से 2014 से कवर कर रहा हूं, लेकिन मेरी मुलाकात 4.5 दशक पहले इंदिरा जी के साथ है। इंदिरा जी के साथ में प्रियंका और राहुल दोनों
एनसीईआरटी की एग्जीबिशन देखने आए थे जहां मेरा डिस्प्ले था, मैं एक साइंस एग्जीबिशन में मेरा डिस्प्ले चल रहा था और मुझे पहला पुरस्कार भी मिला था। तब से मैं देख रहा हूँ, छोटे से बच्चे थे दोनों और तीन मूर्ति भवन में वो प्रदर्शनी हुई थी। तो लोगों को शायद नहीं आइडिया होगा, वो फोटो भी मेरे पास आ जाए कैसे इंदिरा जी चुनाव हार चुकी थी उसका।